गुड मॉर्निंग। आज का हमारा वीडियो कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 में हम लोग सुभद्रा सेन गुप्त की एक कहानी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लजीज दाल। इस कहानी में एक कादिर अली हैं, जो कादिर है वो एक बाबरची है, यानी वो एक खाना बनाने वाला व्यक्ति है जिसका एक छोटा सा ढाबा है। उस ढाबे पर हसन अली नाम के एक नवाब आते हैं, तो नवाब साहब उसको बताते हैं कि मैं नई नई चीज़ों को खाने का शौकीन हूँ। मैंने सुना है कि तुम मशहूर बाबरची कादिर हो। तो कादिर ने कहा, जी आपने अच्छा सुना है, सही सुना है, तो आप मुझे बताएं कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। नवाब हसन अली ने कादिर से पूछा कि तुम सबसे अच्छा क्या बनाते हो। कादिर ने बताया, मैं दाल बनाता हूँ। नवाब साहब को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा, दाल भी कोई बनाने वाली चीज़ है। कादिर ने कहा कि आपने अभी तक मेरी दाल खाई नहीं। तो नवाब हसन अली ने कहा, ठीक है, तुम थोड़ी सी दाल मुझे दो और मैं खा कर देखता हूँ। तो कादिर ने उसे कहा कि अभी दाल तैयार नहीं। नवाब साहब को थोड़ा गुस्सा आया और थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, तैयार नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? कादिर ने बताया कि जब कोई दाल मुझे खाना चाहता है तो वो पहले से मुझे बताता है, और जब मुझे पहले से बताता है तो मैं उस दाल को उसके लिए बनाता हूँ। वो मेरी शाही दाल है। इस शाही दाल को बनाने में पूरे एक दिन लगते हैं। तो हसन अली को बड़ा इंटरेस्ट आया कि ये बड़ा अजीब आदमी है, बड़ा बावर्ची है, पर हसन अली ने उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, तो फिर कल के दोपहर के खाने में मैं तुम्हारी दाल खाता हूँ। तुम ऐसा करना, तुम दाल बना करके मेरी कोठी यहाँ पर ले आना, मैं बहुत तुम्हारे करीब ही रहता हूँ, हसन अली ने उसको बताया। कादिर ने कहा कि मैं आपकी कोठी पर आकर के, हवेली पर आकर के आपको दाल नहीं खिला सकता, आपको दाल खाने के लिए मेरे ढाबे पर ही आना पड़ेगा। हसन अली को थोड़ा गुस्सा भी आया, पर उन्होंने कहा कि क्या है ऐसा तुम्हारी दाल में जो तुम मुझे यहीं बुलाना चाहते हो? तो उसने कहा कि हुजूर, जब मैं दाल अगर अंगीठी से उतार देता हूँ तो उसका स्वाद चला जाता है, इसलिए दाल को यहीं आकर खाना पड़ेगा, और जब मैं कहूँ तभी आना पड़ेगा, और अगर आप तभी नहीं आते हैं तो आपको दाल का उचित स्वाद प्राप्त नहीं होगा। हसन अली को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु उन्होंने सोचा, हो सकता है कि इसकी दाल इतनी जहमत यानी परेशानी उठाने के लायक हो। इस बात को सोच करके उन्होंने कहा, ठीक है, कल तुम मेरे लिए दाल बनाओ, और जब तुम्हारी दाल बन जाए तो मुझे बताना, तो मैं आऊँगा। हसन अली को एक मन में विचार आया कि उन्होंने पूछा कि अगर मैं दाल ना खा पाया, मैं समय पर ना आया पर तो क्या करोगे? तो उसने कादिर ने बताया कि मैं उस दाल को फेंक दूँगा या किसी गरीब को दे दूँगा। हसन अली मन ही मन में हंसे और बोले, ठीक है, कल तुम मुझे उचित समय पर बुलाना और मैं आऊँगा। अब देखते हैं कहानी में क्या होता है, दोनों के बातचीत और विवाद में क्या निकलता है। पिछली बार हम लोग देख रहे थे कि सुभद्रा सेन गुप्ता जी की कहानी लजीज दाल। कादिर के दुकान पर यानी रेस्टोरेंट पर या ढाबा जो भी हम कह सकें, दुकान पर एक नवाब साहब आते हैं। वो नवाब कहते हैं कि तुम सबसे अच्छा क्या बनाते हो? तो कादिर उन्हें बताता है कि मैं सबसे अच्छा दाल बनाता हूँ। नवाब साहब को आश्चर्य होता है कि दाल भी कोई बनाने वाली चीज़ है। तो उसने बोला, ये बात कुछ जमी नहीं। तो उन्होंने कहा, आप केवल दाल खाएं, उसके बाद फिर आप कुछ कहिएगा। नवाब साहब कहते हैं, ठीक है। अब उसके आगे का संवाद और बातें क्या हो रही हैं दोनों में, कादिर और हसन अली में, नवाब हसन अली में, हम लोग देखते हैं। पर आपने वह दाल चखी कहाँ है जो मैं बनाता हूँ? कादिर ने कहा कि जो दाल मैं बनाता हूँ उसे आपने अभी तक चखा ही कहाँ है। चखा मतलब टेस्ट किया। बहुत खूब, हम चखेंगे। तुम कौन सी दाल बनाते हो? नवाब कादिर खान हसन अली ने कहा कि बहुत खूब यानी बहुत अच्छे, हम चखेंगे यानी हम खाएंगे तुम्हारी दाल को,
तुम कौन सी दाल बनाते हो बताओ। तो कादिर ने बताया, मैं उड़द की दाल बनाता हूँ। उड़द की दाल, कादिर ने एक शब्द में जवाब दिया, उड़द की दाल। थोड़ी सी दो, नवाब हसन अली ने कहा, ठीक है थोड़ी सी दाल मुझे दो, देखें कि उसमें ऐसी क्या खास बात है। उन्होंने कहा, मैं चखना चाहता हूँ, टेस्ट करना चाहता हूँ और ये चेक करना जानना चाहता हूँ कि आखिर उस दाल में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम मशहूर हो और तुम इतने कॉन्फिडेंट यानी विश्वास में हो कि मेरी वो दाल बहुत अच्छी है। अभी तो तैयार नहीं है हुजूर, कादिर ने बताया कि अभी वो दाल तैयार नहीं है यानी बनी नहीं है और मैं आपको अभी वो दाल नहीं दे सकता। हसन अली को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, क्या क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नसूचक चिन्ह से, प्रश्नसूचक निगाहों से कादिर को देखा। नवाब साहब गुस्से में लग रहे थे और इस बात को सुनकर कि अभी दाल तैयार नहीं है, वो थोड़े गुस्से में यानी कि उनको खाने का मन था कि वो देखते कि क्या बनी है और वो थोड़ा गुस्से में लग रहे थे। शादिक परेशान सा हो गया, शादिक को लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे कोई सजा दे दें या कुछ नुकसान कर दें मेरा, इसलिए वो थोड़ा परेशान हो गया। मैं ऑर्डर मिलने के बाद ही उड़द की शाही दाल बनाता हूँ, कादिर यानी शादिक के पिता कादिर ने बताया कि जब मुझे कोई पेशकश करता यानी कहता है कि मुझे दाल खानी है तभी मैं उस शाही दाल को बनाता हूँ। कादिर कहना चाहता है कि वो दाल जो मैं बनाता हूँ वो लजीज तो है परंतु इतनी आसानी से नहीं बनती, इसलिए जब उसको खाने वाले आते हैं तो उनके कहने पर ही मैं दाल बनाता हूँ। आपने खास अपने खास मसालों के साथ उसे पकाने में पूरा एक दिन लग जाता है। कादिर ने बताया कि मैं अपने खास मसालों के साथ, इसका इंग्रेडिएंट था इसका जो दाल मैं बनाता हूँ, उस दाल को बनाने में पूरा एक दिन लगता है, इसलिए जब कोई व्यक्ति मुझे खाने का आर्डर देता है या पेशकश करता है तो ही मैं उस दाल को बनाता हूँ। अगर हुजूर चाहें तो मैं कल दोपहर के खाने के लिए दाल बना दूँगा, कादिर ने कहा कि अगर आप चाहिए, हसन अली से कि अगर आप चाहते हैं दाल खाना तो मैं कल दोपहर के भोजन में आपको दाल खिला सकता हूँ। ठीक है, नवाब हसन अली ने लाचारी से कहा, लाचारी यानी बेबसी, यानी जब दाल बनी ही नहीं है तो मैं उसे कैसे खाऊंगा, ऐसा सोच करके हसन अली चुप हो गया और उन्होंने कहा, ठीक है हम पास में ही रहते हैं, तुम अपनी दाल वगैरह लेकर हमारी हवेली पर आ जाना। हसन अली ने कहा कि मैं पास में ही रहता हूँ, कल तुम अपनी दाल वगैरह मतलब दाल और दूसरे सामान ले करके मेरी हवेली पर आ जाना, यानी तुम वहीं पर आना और हम वहीं पर तुम्हारी दाल खाएंगे। कादिर ने कहा, माफ़ करें हुजूर, यह मुमकिन नहीं है। मुमकिन यानी संभव। कादिर ने कहा, माफ़ करिएगा यह संभव नहीं है। कादिर ने कहा तो सादिक सिर उठा कि अब्बा जान बहुत बेरुखी से पेश आ रहे हैं। सिहर उठा, सिहर उठना मतलब घबरा जाना। कादिर की बातों को सुनकर कादिर का लड़का सादिक वो सिहर उठा यानी परेशान हो गया, डर गया और ये सोचकर कि अब्बा बेरुखी से यानी बिना किसी इंटरेस्ट के पेश आ रहे हैं यानी नवाब साहब के साथ व्यवहार कर रहे हैं। सादिक को डर लग रहा था कि कहीं नवाब साहब गुस्सा ना हो जाएं और कोई उल्टी सीधी बात ना हो जाए और अपने पिता के द्वारा कही गई इन बातों से वो थोड़ा भयभीत हो गया और उसने और वो घबराने सा लगा कि कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। वे ऐसे सख्त बावर्ची थे कि अपने बहुत सारे ग्राहकों को इसी बेरुखी की वजह से खो बैठते थे। सादिक जानता था कि मेरे पिता इतने सख्त बावर्ची यानी खानसामा हैं, साफ हैं कि वो अपने इस कड़े व्यवहार की वजह से बड़े बड़े कस्टमर ग्राहक यानी कस्टमरों को छोड़ चुके हैं। सादिक कहना चाहता है कि मेरे पिता इतने अड़ियल हैं, इतने क्रोधी हैं कि वो सिर्फ अपनी ही बातों को मानते हैं, अर्थात उनका कादिर का मानना ये था कि मैं जो खाना बनाता हूँ वो मेरे इच्छा के अनुसार यानी मेरे नियम के अनुसार ही खाया जाएगा, तभी उसमें स्वाद आएगा। इसलिए कादिर ने
एकदम से नवाब साहब को मना कर दिया कि आपकी हवेली पर किसी भी प्रकार से वो दाल नहीं जा सकती। नवाब साहब अमीर नज़र आ रहे थे। सादिक जानता था कि नवाब साहब नवाब हैं तो अमीर होंगे और वो अमीर नज़र आ भी रहे थे। नवाब हसन अली का ऐसे बेरुखी बावर्ची से पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा था। नवाब हसन अली नवाब थे और उनके कहते ही लोग उनके कार्यों को कर दिया करते थे, परंतु आज कादिर के जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उनकी इस व्यवहार को मानता। यानी कादिर जैसा व्यवहार नवाब साहब के साथ कर रहा था वैसा व्यवहार कभी किसी ने उनके साथ नहीं किया था, मगर अब उन्हें भी दिलचस्पी होने लगी थी। दिलचस्पी मतलब इंटरेस्ट। नवाब साहब को भी कादिर के व्यवहार और कादिर की दाल में अब इंटरेस्ट आने लगा था कि ऐसी कौन सी दाल है जिसको बनाने में एक दिन लगता है और एक दिन लगने के बाद वो हमारी हवेली पर नहीं आ सकती। इससे क्या परेशानी है कादिर में, या उन्होंने पूछा। अब हवेली पर कादिर अपनी दाल लेकर नहीं आ सकते, इस बारे में नवाब साहब ने पूछा कि आखिर तुम्हें हवेली पर आने में क्या परेशानी है। हुजूर, मेरी दाल का मज़ा लेने के लिए, उसे खाने के लिए आपको मेरी दुकान में आना होगा। कादिर ने बताया कि अगर आपको मेरी दाल खानी है, उसका आनंद लेना है, तो आपको मेरी ही दुकान पर आना होगा। अंगीठी से उतार देने पर वह बेकार हो जाती है। उसने कादिर ने बताया कि मेरी जो दाल है, अगर मैं उसे अंगीठी यानी स्टोव से उतार दूं, तो वह उसका वो बेकार हो जाती है, उसका स्वाद चला जाता है। और इस प्रकार जब मैं बुलाऊं, तो आपको फौरन आना होगा। कादिर ने यह भी शर्त लगाई कि जब मैं आपको बुलाऊं, तो आप बिना विलंब किए यानी बिना देर किए तुरंत आपको आना होगा, अन्यथा दाल खराब हो जाएगी। सचमुच अगर मुझे देर हो जाए तो? तो नवाब हसन अली ने पूछा कि सचमुच क्या तुम्हारे बताए समय पर ही मुझे आना पड़ेगा, और अगर मुझे देर हो जाए तो क्या होगा? नवाब हसन अली ने कादिर से ये प्रश्न किया कि अच्छा ठीक है, मैं सचमुच अगर मैं तुम्हारे बताए टाइम पर ना आ सका तो क्या होगा? दाल मैं फेंक दूंगा या किसी गरीब को दे दूंगा। तो कादिर ने बताया कि दाल को या तो मैं फेंक दूंगा या तो मैं किसी गरीब को दे दूंगा या किसी गरीब को दूंगा। कादिर मियां ने गरम दाल में कुछ कबाब छोड़ते हुए कादिर मियां ने गरम दाल में कुछ कबाब छोड़ते हुए जवाब दिया। कादिर जो था दाल बना रहा था, दाल में कबाब को डालते हुए उसने जवाब दिया कि अगर आप समय पर नहीं आएंगे तो मैं उस दाल को फेंक दूंगा या किसी गरीब को खिला दूंगा। नवाब हसन अली ने सिर हिलाया। नवाब हसन अली कादिर की इस बेरुखी को देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित थे और उन्होंने अपना सर हिलाया। कादिर जैसे और बावर्ची उन्हें अभी तक कोई नहीं मिला था। नवाब साहब को महसूस हो रहा था, समझ में आ रहा था कि कादिर जितना सख्त है उतना सख्त बावर्ची मैंने आज तक नहीं देखा। चलो ठीक है, फिर भी उन्होंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने सोचा पहले उसकी दाल चक्कर देखते हैं, शायद इतनी जहमत उठाने के काबिल हो ही। नवाब साहब ने सोचा चलो ठीक है, पहले मैं इसकी दाल को चख कर देखता हूँ, शायद हो सकता है जहमत यानी मुसीबत, हो सकता है उसकी दाल इतनी परेशानियाँ और मुसीबत उठाने के काबिल, काबिल मतलब योग्य हो। नवाब साहब सोच रहे हैं कि ठीक है, इसने जितनी भी शर्तें रखी हैं मैं उन सभी शर्तों को मानने को तैयार हूँ, शायद हो सकता है इसकी दाल उतनी अच्छी हो जितना ये बता रहा है, और यह जितनी जहमत यानी मुसीबतें उठा करके मैं इस दाल को आराम से खा सकता हूँ और मुझे पसंद आ सकती है। इसलिए उन्होंने कादिर की बात को स्वीकार कर लिया। कल दाल तैयार होने पर मुझे बुलावा भेजना, कहकर नवाब साहब चले गए। नवाब साहब ने कहा ठीक है, कल जब दाल बन जाए तब तुम मुझे बुलावा यानी मुझे बुला लेना, और कहकर चले गए। कादिर ने राहत की सांस ली जब नवाब साहब सादिक ने राहत की सांस ली जब नवाब साहब ऐसा कहकर चले गए तो सादिक को चैन आया कि चलो एक कस्टमर तो मिला और
बड़े आराम से वो इस बात को मान गया। पिता की वजह से, अपने अब्बू की वजह से वो कहीं अलग नहीं हुआ। उसे फ्रिक लगी थी कि नवाब साहब तो गुस्सा होकर चले जाएंगे, सादिक का क्या होगा। उसे लग रहा था कि अगर नवाब साहब गुस्सा हो गए तो वो दाल को नहीं खाएंगे और एक बड़े पुरस्कार से मैं वंचित रह जाऊंगा, ऐसा सादिक सोच रहा था। सादिक जानता था कि नवाब लोगों को खाना पसंद आ जाए तो अक्सर वे बाबरचियों को बहुत बड़े बड़े इनाम दे देते हैं। सादिक जानता था कि अगर इनको खाना, नवाबों को खाना पसंद आ जाए तो वो बाबरचियों को बड़े बड़े इनाम दे डालते हैं। उसके अब्बू ने तो सब कुछ करीब करीब बिगाड़ ही डाला था। उसने मन में सोचा कि उसके अब्बू ने तो लगभग सब कुछ बिगाड़ ही यानी नष्ट ही कर दिया था, परंतु बात समझ गई। सादिक अपने अब्बा से काफ़ी जान करके सब गुस्से को जानता था कि मोहम्मद कादिर को गुस्सा आ जाए तो सारे कौवे काँव काँव करना बंद कर देते हैं। सादिक जानता था कि अगर पिता को बहुत गुस्सा आ जाए तो सब लोग बोलना बंद कर देते हैं, और उसे पता था कि मेरे पिता ने अपने गुस्से की वजह से न जाने कितने कस्टमर को यानी ग्राहकों को भगा दिया था। अब नवाब साहब के दाल खाने के लिए तैयार हो गए थे, ये बात सादिक के लिए बड़ी अच्छी थी।